दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा नसीब जो है ना वो इंशाल्लाह आप सब ओके प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस प्रॉमिस अमी से भी प्रॉमिस करते हैं यहाँ पे मुख बांध दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा कुछ रखे, आबाद रखे, जहाँ पे भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब बहन भाई जल्दी जल्दी 20K से ना ऊपर ऊपर मेरे सब्सक्राइबर कर दें। बाहर आ गए हैं और आज ना पानी भी आया हुआ खाल में, ये देखें। तो हम अपनी जमीन में जा रहे हैं उधर जहाँ पे गंदम निकाली थी। लैपा भी मेरे साथ है, चलो जंप लगाओ। जंप कैसे करो? ख्याल करो गिर ना जाना। लगा लिया है, लगा लिया, बड़ी मुश्किल से लगाया। मैं तो नहीं लगाऊंगी, मैं तो उधर से आऊंगी। जंप नहीं लगाना, कोई रास्ता भी नहीं है गुजरने का। कहाँ से गुजरूं? उधर से देखो, सारे ना बाहर काम कर रहे हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे छोटी सी बन्नी, हम कहते हैं बन्ना कहते हैं इसको, बनाया हुआ है। तो यहाँ से ना मैं कूद लूंगी आसानी से, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो अब चलते हैं जी। और माशाल्लाह से मौसम काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है मौसम। क्योंकि हाँ, इस टाइम गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती, दिन को तो होती है गर्मी। तो गंदम निकलने के बाद ना हम सराकी जबान में कहते हैं जो सिटियाँ वगैरह बचती हैं, जो गंदम बीचे बचती है ना, तो वो उसकी चुनाई वगैरह करके ना एक जगह पे ना, मतलब जहाँ पे गंदम निकलती है उस जगह से ना झाड़ू के साथ ना सफाई करके वो इकट्ठा करते हैं गंदम। तो फिर उसको साफ करके ना वो ले जाते हैं जो जिनको ज़रूरत होती है, मतलब हम उनको दे देते हैं यहाँ पे ना। क्योंकि पहले शुरू शुरू में हम जब निकालते थे ना गंदम, तो मेरी अम्मी ना खुद मतलब के वो करती थी। हम इसको कहते हैं तल मिलना, तल मिलने पे आए सराय की जबान में कहते हैं हम इसको तल, जो तल होता है इसको हम सराय की जबान में कहते हैं। हम ना आज ना तल मिलने पे आए आज तल मिलने पे, मतलब तो वही ना औरतें आई हुई हैं, तो वो हिसाब कर रही हैं। दो दिन हो गए हैं, कल भी किया है और आज भी कर रही हैं। तो क्योंकि वो ज़ाया ना हो जाए ना, हमने कहा चलो किसी के काम आ जाएगा तो अच्छी बात है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिन को हमारे घर में तो रेस्ट करती हैं, सुबह को भी साफ करती हैं, शाम को भी, फिर वो अपने घर ले जाएगी अपने लिए, हमारे लिए नहीं अपने लिए कर रही हैं साफ। बनाने वाले भी आए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, भूसे की सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि उस दिन तो ना तो उसका साफ था ना मुँह था जिससे निकली हुई थी गंदम, तो आज माशाल्लाह से सेट किया हुआ है उन्होंने भूसा वगैरह, जैसे उसका होता है नया नक्श बनाया हुआ है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम इस भूसे को ना सेट करके फिर हम पानी आएगा ज़मीन में, तो फिर बाल्टों के साथ ना हम जब छोटे होते थे ना हम खुद खुद धाड़ लिम्बे दिया से। ये देखें जी वो सामने, ये ना भूसे को सेट किया है इन्होंने अभी, दूर खड़े होकर ना। देखें जी इस तरह से ना गंद वगैरह निकल जाएगा ना, जो गंदम बचेगी ना तो अलग कर देंगे। ये देखें जी अलग की हुई है गंदम, इसमें से ककड़े वगैरह हैं, लेकिन फिर ये इसकी ना इसकी भी सफाई करेंगे, साफ करके फिर इसको बेच देंगे या ककड़े काम वगैरह आ जाएंगे ना। अभी हमारी मासी जो है ना वो साफ कर रही हैं। कैसी हो मासी, ठीक हो? जी हाँ जी हाँ ठीक है। तबीयत से ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ शाम होने वाली है, तो सारा दिन बनाते रहे हैं। और हमारे कूलर की हालत देखो क्या हुई पड़ी है। ये देखिए यहाँ से इन्होंने मेला है तल वगैरह ना, यहाँ से सारी गंदम इकट्ठी कर ली है, अभी भी कुछ रहती है। तो हमने इनके हवाले कर दिया, हमने कहा आप लोग खुद मेल के ना इकट्ठी करके ना ले जाओ घर अपने। तो ये देखें जी भूसे का ना भी कुछ नक्शा जो है ना वो बन गया है, लंबाई नहीं होती लिपाई होती है। ये देखिए ये तो लगाया था जहाँ पे ना गंदम थ्रेशर से ना गंदम निकली थी, जहाँ पे मुझे इतना याद आ रहा है ना, होती थी ना जैसे समावे आया, ऐसे समावे से भी छोटी थी तो हमारी गंदम निकलती थी। हम याद है हम दो दो दिन ना यहाँ पे आके ना दिन को सारा दिन गुजारते थे, यहाँ पे देखते रहते थे किस तरह से निकल रही है गंदम, बहुत ज़्यादा खुद ज़्यादा याद आता है वो वक्त ना। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मैंने अभी बनाना है खाना है ना। हाँ नहीं वो वक्त कौन भूल सकता है, बचपन अपना अपना बचपन तो सब कुछ याद आता है, लेकिन अभी भी सब कुछ वैसे है, लेकिन इंसान और माहौल बदल जाता है, लेकिन चीज़ें तो वैसे ही है ना।
पैसे के तो क्या करें, इंसान बदल जाते हैं ना। हाँ इंसान बदल जाते, सही कह रही। ये रास्ता है, ये देखो सारे आपको काम करते हुए नजर आएंगे इस टाइम, क्योंकि ये सीजन है ना, जो गरीब बेचारे मजदूरी कर रहे हैं ना। हाँ हर के से रोज रोटी रोटी तो खानी होती है ना। बिल्कुल, इसलिए सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई कोई ना कोई काम करने में लगा हुआ है। सब की माशाल्लाह कटाई हो गई है ना। हाँ किन किन की बात, सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा है, सूरज कितना प्यारा लग रहा है। अभी घर चलते हैं, और अभी घर जाकर मैंने बनाना है खाना, क्योंकि देर हो रही है और आटा वगैरह जो ना वो गूंध दिया, और अभी खाना जाके बनाना है घर में ना, तो देर हो जाएगी, शाम हो जाएगी वरना। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक। ये क्या हुआ है? ये कल ये खा गया था, दाने आ गया। अच्छा जी, ये गंदम उठाने के लिए है, तो कहते हैं कि मेरे अबू को कॉल किया है ना, हमें ना हमारे ही साथ है ऐसे ले लिए। अच्छा इसकी बाइक जो ना वो पंचर हो गई है, तो आप खड़े हुए हैं कैसे जाए? ये किसकी बाइक लेकर आए हो? आपकी तो नहीं है आपके पास वो, हमारी घर की। तो ये साथ हमारा चक है ना, उधर से पंचर जो है ना वो लग जाएगा। अच्छा चलो जाओ फिर। ये देखे जी, ये गंदम उठाए हुए हैं, ये देख ना पैसे लेंगे ऐसे, क्या करना है पैसों का? कैसी हो रिया? ठीक हो? सलाम करो। बाल दिखाओ पीछे से, दिखाओ बाल। ये देखो जी पोनी लगा, मेरी आप ही भी पहले ऐसी लगाती थी पोनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठीक, आप सुनाओ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। टांगों में दर्द हो गया, मोटरसाइकिल खराब था, मदरसा के साथ आई हूँ, वो मोटरसाइकिल खराब था ना, पाँव रखने की जगह नहीं, तो मोटरसाइकिल पंचर हो गया, पता नहीं कैसे लगवाते हैं पंचर। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना अभी, थोड़ी देर बाद। मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा कि मिल तो जाओ, इतना अर्सा हो गया आई भी नहीं, आई थी लेकिन वीडियो में नहीं थी। ये ना मेडिसिन ली हमने, खाने को खोलो ना सही। आटा ले आयो? हाँ अस्सलाम वालेकुम। आटा आज भी थोड़ा सा लेके आए हैं, 10 किलो। वो अपनी गंदम जो निकलवाई है वो कहते हैं कल मिलेगा इंशाल्लाह, कल मिलेगा। लाइट नहीं थी आज, लाइट नहीं थी। सब्जी वगैरह ले आयो? अरे इसको तो आप फेंक दो। ये ठीक है, अंदर से शापर है, अंदर से शापर है कहते, ऊपर से ठीक है। आटा थोड़ा सा ले आया है, तो कल इंशाल्लाह हम अपना आटा जो है ना वो पिसवाएंगे चक्की से ना, वो तो न्यू आटा होगा, वो तो खाएंगे तबीयत खराब हो जाए। देने के लिए जा रहे हो? दाने दाने जानवर के लिए, जानवर के लिए खाना, दलिया बनाना है जानवर के लिए। अच्छा जानवरों का दलिया बनाना है। सलाम। सारा दिन नींद की जमल आसार कर रहे हो? क्यों? रात को वक्त रात को भी वक्त ही सोते हो, दिन को भी? अच्छा और कोई नवी ताजी? अच्छा ये बताओ बाथरूम कैसे लग रहे हैं मुजम्मिल? अच्छे लग रहे हैं। ये किस लिए बनाया हुआ ये तो बताओ, ये किस लिए बनाया हुआ ये वाला, ये क्या चीज है? लंटर के लिए। लंटर के लिए? किस चीज का लंटर है? सोच कर बताओ ये किस लिए बनाया हुआ है ये। आज आज अगर मुजम्मिल ने ये बता देना ये किस लिए बनाया, हम मान जाएंगे मुजम्मिल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। बताओ क्या? वो क्या? वो छिपा है। किधर? कौन सा बताओ, जाके वहीं जाके बताओ, कौन सी जगह की बात कर, कौन सी जगह की बात कर रहे हो बताओ। यहाँ से तो सब लंडर डले हुए हैं, सारे लंडर भी डल गए यहाँ पे, तो वो चीज किस लिए बनाई हुई है ये बताओ। मुझे है ना बाथरूम, इसलिए मजा आएगा ना। मजा आएगा ऊपर चढ़ते हुए? हाँ, ये स्टेप भी बनाए हैं, ये देखिए अभी ये बनेंगे। मुजम्मिल बताओ यार, नहीं बता सकते? चूहा थोड़ी है। आप तो वैसे पहले डर रहे, मुजम्मिल आ जाओ बताओ। डरा दिया। अच्छा मुजम्मिल ये पता है किस लिए बनाया हुआ है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा हाँ ये अब समझ आ गई। वैसे मुझे उस चीज का भी शक था, जो जो हमने गड्डर बनाया हुआ है ना बाहर गड्डर, तो उसका नहीं है ये, नहीं उसका नहीं है। उसका होगा तो गोल होगा ना। उसका पता है, उसका होगा तो गोल होगा। हाँ वो कह रहे हैं कि उसका होगा तो गोल होगा। अच्छा
हाँ ये ना डब्बे दी थी ये किसका ये किसका है फिर ये बताओ। अच्छा मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज का है। ये मोटर है ना ये आ गई है दरमियान कॉर्नर में। अब तो मैं बता रही हूँ ना अब तो मैं बता रही हूँ ना। तो ये आ गई दरमियान में तो ये अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए हमने ना इसके ऊपर मतलब के इसका एक स्टेप बना के ना इसको कवर कर देंगे। जब इसका कोई काम वगैरह करवाना होगा तो इसको ऊपर खोल भी सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे बनवाना है एक किस्म का ये भी एक डिजाइन बन जाएगा यहाँ पर। ये छुप जाएगी मोटर ये फिर क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही ना इस वजह से क्योंकि फिर चारों तरफ से स्टेप बनेंगे और ये अच्छी नहीं लगेगी। अम्मा कैंड से दिसाया मेरे को पता ही पहले था उर्दू में बात क्या करो उर्दू बोला करो उर्दू। ये रख दो ये लूहे वाला लग जाएगा आपको उसके करीब ना जाया करो ठीक है पीछे होकर खड़े हो जाओ पता है ना खतरनाक है। वालेकुम सलाम क्या हो रहा है पढ़ाई हो रही है लिख लिया काम थक गई हूँ मैं उधर गए थे खेत में पसीना आ गया खेत में ना तो पसीना देखो अभी से इतनी आपको पसीने छूट रहे हैं वर्जिश क्या करो कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता हाँ सारा दिन वो कितनी जमीन है फिर भी मैं गोरी हूँ इसलिए मुझे पसीना ज्यादा आता है ना। अच्छा वालेकुम सलाम कैसी हो ठीक ठीक हो कर लिए याद सबक सबक याद कर लिए जी। अच्छा पहले तो बंदा बैठ बैठ के बीमार ज्यादा हो जाता है पता है अब तो चल नहीं सकती जख्म हो गए एक दिन गई मैंने अम्मी से कहा हर रोज जाया करो लेकिन जख्म हुआ था मरहम पट्टी मैंने करी है अम्मी की रात को लैब इतनी परेशान हो गई थी जब अम्मी का खून निकल रहा था क्या हुआ सब जी पहले इनका मैं की कहां लेकर जाओगी हमें कहां लेकर जाओगी पहले का सवाल में हमेशा अटक जाती है जो पहली इनको आएगी तो कहाँ ले जाओगी कहाँ जा रहे हैं आप लोग ने हमने लोधर कौन सा बावली डोल जो फाइव स्टार आगे होटल बना हुआ है जी वहाँ जाना है हाँ चलो ओके ओके प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस प्रॉमिस अमी से भी प्रॉमिस करते हम यहाँ पे चले जी इंशाल्लाह पूरी फैमिली को इंशाल्लाह जब भी मेरी पहली इनकम आएगी ना तो सबको मैं लेकर जाऊंगी फाइव स्टार होटल ले जाऊंगी ठीक है। आप लोग अभी गए हो फाइव स्टार होटल पर हम उस दिन गए थे ना वो उधर इतना अच्छा होटल नहीं था उससे भी ज्यादा अच्छा होगा वहाँ पे पार्क भी होगा अम्मी वैसे भी आ जाएगी आप अम्मी की गोद में बैठ जाना कैसे समावे फिर आपकी गोद में बैठ जाएगी समावे की गोद में फिर अहमद अहमद गोद में मुजम्मिल ठीक है हाँ आगे ऐसे लंबी कतार वो वाली गाड़ी करवानी है जो तो अभी जी मैं बनाने लगी हूँ खाना तो इंशाल्लाह मेरे अबू ने मुझसे वादा लिया मुझे कहा है कि सोनिया बेटा आज के बाद कभी जिंदगी में किसी बंदे का नाम नहीं लेना ठीक है ना अपनी वीडियो बनानी है खुशी खुशी ठीक है ना छोटी सी जिंदगी है इसमें इंजॉय करना है आपने अपनी पूरी जिंदगी आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है अब पूरी जिंदगी आप रो के तो नहीं गुजार सकती ना तो मेरे अबू ने ना मुझे समझाया है मेरी अम्मी ने भी तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की जात पे पूरा यकीन है। अल्लाह पाक ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा इससे भी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन सोचा होगा। कहते हैं ना कि आजमाइशें भी उन्हीं के ऊपर आती हैं जिनके लिए अल्लाह पाक ने आगे कुछ अच्छा करना होता है तो मैंने ये सोचा है मैंने सिर्फ अल्लाह ताला की जात के ऊपर छोड़ा हुआ है करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह और मेरे नसीब में जो लिखा हुआ है ना वो मुझे इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और मुझे पूरा मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह पाक ने मेरा नसीब आगे बहुत अच्छा लिखा हुआ है मेरे नसीब में बहुत कुछ लिखा हुआ है इंशाल्लाह वो मुझे मिलेगा। तो मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ या अल्लाह पाक जो भी मेरे हक में बेहतर हो ना जो मेरे लिए ठीक हो जो मेरे हक में बेहतर हो ठीक है ना मुझे वो आपने अता करना है बस मैं अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है मुझे सारे बच्चे अम्मी अबू भाई सब इतने ज़्यादा प्यारे हैं इतने ज़्यादा आजीज़ हैं तो इससे ज़्यादा और एक लड़की की ताकत कोई भी नहीं होती है इसकी पूरी फैमिली उसके साथ है खड़ी हुई है ठीक है ना मतलब एक मेरे एक बाजू है ना दूसरे बाजू के साथ है मेरी पूरी फैमिली है मेरे साथ तो इसलिए मुझे ना परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए तो सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है तो बस अभी वेट था जी बनाने का तो आज हम बैगन और आलू बना रहे हैं आलू और बैगन की सब्जी तो सब कुछ इकट्ठा कर लिया है तो यहीं पर बैठ के मैंने खाना बनाना है। तो अभी ना बैगन को छिल कर काट रही है छिली पैया बैगन
बताऊं चली पई काले काले। असल में देर हो रही है ना, असल में मैं इसको बाद में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये काले हो जाते हैं ना पहले, इस वजह से बाद में काट के ना अभी फिर बनाऊंगी। बाल कहें तो कोड़े हो जाते हैं, कोड़े भी हो जाते हैं और उनका रंग भी काला हो जाता है, बिल्कुल काले हो जाते हैं, पर बैंगन भी छोटे छोटे हैं। अभी अगर इनको भून दे तो ये कितने बचेंगे, भरता बनाए तो भरता बनाए तो इनका तो बिल्कुल भी, वैसे बड़े बैंगन मुझे भरता बहुत पसंद है। सुबह को अम्मी ने बैंगन का भरता बनाया, मुझे भी बहुत पसंद है भरता, मैंने खाया है। सुबह को खाया था, कितना मजे का बना हुआ था। बस जल्दी जल्दी काट रही हूँ तो सब कुछ, वैसे तो बाकी काट ही है लेकिन ये अभी काट रही हूँ तो अभी बना ले। पानी ये ना पानी डाला इसलिए क्योंकि गर्म हो जाए, देखती दूंगी जरासीम वगैरह मर जाते हैं ना। पकड़े गए लोग, ये क्या क्या हो गया, बाकी गोटी कूट दी। ये कौन सा तरीका है लूडो खेलने का, ये ये क्या है, नीला पीला सुर्ख है, सुर्ख नीला है, ये देखो पीला लिया। तो मैं आपके लूडो ले आऊंगी ठीक है ना, समा भी आपके लिए ठीक है, आप दोनों के लिए, अहमद के लिए घर गुड़ियों का और गुड़िया और मुजम्मिल के लिए दूसरी चीजें। मट्टी का बनाया है, ये मट्टी का बनाया है, ये देखिए ये मट्टी का चिका बनाया है जी, ये आप ही ने बना दिया है। हाँ हमारे घर में जो काम करने के लाते हैं उन्होंने, ये देखो वैसे कैसे तरीके से उन्होंने बनाया है, पक्का है बिल्कुल। चलो जी लूडो ले आऊंगी, नहीं चला कल जब परसों तक नहीं चला आपके सामान, लूडो खेलेंगे अभी ऐसे गुजारा करो, अभी तो नहीं जा सकती लेने के लिए। ना बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं इंशाल्लाह, बच्चों के लिए सारे जो चीजें ये कहेंगे लैबा सबके लिए जो है ना हर चीज ले आऊंगी इनके खेलने के लिए, जिनको जो मतलब पसंद है जो चीजें। तो आज की वीडियो का भी यही बैंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाइयों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।